नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटोस्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवे से, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवे के द्वारा डिसाइड किया गया कि रेलवे की टिकटिंग के दौरान जो वेटिंग लिस्ट की प्रॉब्लम आती है उसको वो खत्म करने वाले हैं, और इसके लिए अगले 4-5 सालों के अंदर 3000 से ज्यादा नई ट्रेन को वो चलाएंगे। दोस्तों टिकट वेटिंग लिस्ट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सामना आप सबने किया ही होगा अगर आपने रेल से ट्रेवल किया है। फेस्टिवल्स के दौरान तो ये चीज और भी ज्यादा वर्स हो जाती है, क्योंकि वहां पर टिकट अवेलेबल ना होने के चलते जो रिजर्व कोचेस होते हैं उनको भी लोग जनरल कोचेस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है। और स्पेसिफिकली इस साल तो ये प्रॉब्लम बड़े स्केल पर देखने को मिली है, जिसको देखते हुए रेलवेज ने इस वेटिंग लिस्ट को एलिमिनेट करने का बड़ा टारगेट सामने रखा है। हमारी रेलवेज के डेटा के अकॉर्डिंग अभी हर साल 800 करोड़ के आसपास लोग रिजर्वेशन के थ्रू ट्रैवल करते हैं, जबकि 5 करोड़ के आसपास लोगों की टिकट्स वेटिंग लिस्ट में रहती हैं। और अभी फ्यूचर डिमांड को भी कंसिडर करते हुए रेलवेज ने डिसाइड किया है कि अगले 4-5 सालों के अंदर 1000 करोड़ लोगों को अकोमोडेट करने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। और मे बी रेलवेज के इस प्लान के चलते जो वेटिंग लिस्ट की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो शायद आगे से ना मिले। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग से, जहां पर दोस्तों इंडियन सोलर मेकर ग्रीव एनर्जी के द्वारा डिसाइड किया है कि वो सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में बड़े स्केल पर एक्सपांड करने वाले हैं, और इसके लिए 6000 करोड़ का प्लान उन्होंने सामने रखा है। दोस्तों इस प्लान के थ्रू वो 6 गीगावाट की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को क्रिएट करेंगे। अभी 2.8 गीगावाट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उनके द्वारा जयपुर के पास सेटअप किया जा रहा है, जिसमें 1.2 गीगावाट ऑपरेशन हो चुका है, जहां पर सोलर सेल्स, इंगोट्स, वेफर्स इन सब की प्रोडक्शन की जा रही है। जो रिमेनिंग 1.6 गीगावाट है उसके लिए भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा 3.2 गीगावाट का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके द्वारा गुजरात के धुलेरा में सेटअप किया जाना है, जहां पर सेल्स, वेफर्स, इंगोट्स, मॉड्यूल्स इन सब चीजों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। जो एक्सपेंशन जयपुर में किया जाना है उसको लेकर तो अभी उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट कर दी है, पर क्योंकि धुलेरा में जो इनके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाना है वो अभी इनिशियल स्टेज में है, तो उसको लेकर अभी इनको कई सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ेंगी अलग अलग डिपार्टमेंट से। होपफुली इनका कहना है कि अगले 2-3 सालों के अंदर मोस्टली 2025 तक इनकी पूरी 6 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑपरेशनल होगी। अभी दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट से, जहां पर दोस्तों कावेरी, वैगई और गुंडार तीनों रिवर्स की रिवर इंटरलिंकिंग को लेकर जो काम था वो उन्होंने फास्ट पेस पर डाल दिया है, और अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाया जाए। दोस्तों जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत कावेरी, वैगई और गुंडार इन तीनों रिवर्स की इंटरलिंकिंग की जानी है। 427.81 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड करूर डिस्ट्रिक्ट में, 200.41 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड त्रिची में, जबकि 585.05 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में एक्वायर की जाएगी इस पर्पज के लिए, और अभी ये काम ठीक ठाक पेस से चल रहा है। टोटल 237.97 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एक्वायर कर ली गई है, और अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने टारगेट करी है कि अगले 3-4 महीने के अंदर पूरी लैंड को एक्वायर कर लिया जाए। फेज वन में 118.45 किलोमीटर लंबा एक कैनाल बनाया जाएगा, जो कि मयानपुर बैराज से साउथ विलार के बीच में बनेगा। 6,941 करोड़ रुपीज की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर होगी, जिसके थ्रू कावेरी रिवर का जो सरप्लस वाटर है उसको गुंडार, साउथ विलार एंड वैगई इन तीनों रिवर्स के थ्रू डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जिसके चलते इवेंचुअली 342 इरीगेशन टैंक्स को वाटर सप्लाई मिल पाएगी। साथ साथ इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में 42,170 एकड़ ऑफ लैंड को इरीगेट भी किया जा सकेगा। अगले दो सब निकल कर आ रही है कानपुर मेट्रो से, जहाँ पर दोस्तों कानपुर मेट्रो की लाइन 2 के लिए अभी काम आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कॉरिडोर 2 के या फिर लाइन 2 के एलिवेटर सेक्शन के लिए अभी टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। दोस्तों कानपुर मेट्रो की लाइन 1, जिसको ऑरेंज लाइन भी कहा जाता है, उसका कुछ पार्ट अभी ऑपरेशनल में है, साथ साथ कुछ पार्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लाइन 2, जिसको ब्लू लाइन कहा जाता है, उसका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इसी साल दिसंबर तक उसका काम स्टार्ट होना था, और अभी सही समय पर उसका काम स्टार्ट होता देखने को मिल रहा है। वैसे तो पूरी मेट्रो लाइन 8 किलोमीटर से ऊपर की होगी, लेकिन इसका एलिवेटर सेक्शन 4.3 किलोमीटर का होगा। टोटल 5 मेट्रो स्टेशन इसमें बनकर तैयार होंगे, जिसमें सभी के लिए अभी टेंडर फ्लोट किए गए हैं। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, विजयनगर स्क्वायर, शास्त्री चौक, 12/7 एंड 12/8 इन जगह पर स्टेशन बनाए जा रहे हैं, और 484 करोड़ रुपीज इन सबको मिलाकर स्पेंड किए जाएंगे। 2.5 साल की डेडलाइन इनकी सेट की गई है, जबकि एक मेट्रो का डिपो के लिए भी टेंडर फ्लोट किया गया है, जिसके ऊपर 113.2 करोड़ रुपीज स्पेंड किए जाएंगे, और 1.5 साल की डेडलाइन इसके लिए भी सेट की गई है। अगले 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन नेवी से, जहाँ पर दोस्तों हमारी इंडियन नेवी के द्वारा 4th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को लॉन्च कर दिया गया है, और अभी इसका नाम उन्होंने अमिनी रखा है, जो कि लक्षद्वीप के अमिनी आइलैंड से डिराइव किया गया है। दोस्तों कह सकते हैं कि हमारी इंडियन नेवी के लिए इस तरह के 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जिसमें से 3 ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं। अभी ये 4th था, जो कि तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है, जिनका कहना है कि 77 मीटर लंबा है शिप, मैक्सिमम 25 नॉट्स की स्पीड से ऑपरेट हो सकता है। जो 16 अभी मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं उसमें से 8 तो गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किए जा रहे हैं, जबकि रिमेनिंग 8 एलएनटी के द्वारा किए जा रहे हैं।
ये सभी के सभी शिप्स अर्नाला क्लास के शिप्स होंगे जो आगे चलकर हमारी नेवी के जो अभय क्लास के शिप्स हैं जो अभी ऑपरेट हो रहे हैं उनको रिप्लेस करेंगे और उनका काम इनके द्वारा ही किया जाएगा। अगली 2 अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर दोस्तों यूपी के रोड नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 2 और एक्सप्रेसवेज के ऊपर प्लानिंग स्टार्ट कर दी गई है और इसके थ्रू वो टारगेट कर रहे हैं कि यूपी के ईस्टर्न एरिया को पूरी तरह से वेस्टर्न यूपी और नेशनल कैपिटल से लिंक कर दिया जाए। दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो ये दोनों के दोनों लिंक एक्सप्रेसवे होंगे। एक लिंक एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच में बनकर तैयार होगा। हालांकि आपको बता दूं कि दोनों के दोनों एक्सप्रेसवे लखनऊ से पास होते हैं, लेकिन अभी दोनों को लिंक नहीं किया गया है, जिसके चलते जो लोग एक एक्सप्रेसवे से दूसरे एक्सप्रेसवे के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो उनको लखनऊ के इनर रोड से होकर गुजरना पड़ता है और ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी जो इसके लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसके लेंथ अराउंड 60 किलोमीटर की होगी, उसके चलते ये दोनों एक्सप्रेसवे पूरी तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और अगर हम कह सकते हैं कि यूपी का एक एंड दूसरे एंड से कनेक्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए भी प्लान सामने रखा गया है। अगर काम होता है तो जो सबसे पहले मैंने आपको बताया है उसी के ऊपर होगा। देखने की आगे चलकर इसको लेकर क्या अपडेट सामने आ पाती है। अगली 2 अपडेट निकल कर आ रही है भुवनेश्वर से, जहाँ पर दोस्तों भुवनेश्वर में गार्बेज प्रॉब्लम को कम करने के लिए भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया गया कि वो 4 नए बायोमिथेन गैस प्लांट्स को सेटअप करने जा रहे हैं और अभी इसके लिए लैंड भी आइडेंटिफाई कर ली गई है। दोस्तों गार्बेज प्रॉब्लम भुवनेश्वर में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसको सोल्व करने की कोशिश भी की जा रही है। अभी आप कह सकते हैं कि जो बायोमिथेन प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं ये एक इफेक्टिव वे हो सकता है इनको रिड्यूस करने का, क्योंकि इनके चलते एक तो गार्बेज की प्रोसेसिंग भी हो पाएगी, साथ साथ गैस भी जनरेट हो पाएगी। अभी रोकात, मेहरपल्ली, कोचिलापुट और बसुआघाई, यहाँ पर लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया है। हर जगह पर 2 से 2.5 एकड़ ऑफ लैंड ऑलरेडी अर्नमार्क कर ली गई है जहाँ पर इन प्लांट्स को सेटअप किया जाएगा। भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग डेली भुवनेश्वर में 700 टन ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होता है और अभी जो प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं इनमें इतनी कैपेबिलिटी होगी कि कुल मिलाकर 200 टन ऑफ वेस्ट को प्रोसेस कर पाएंगे और डेली 4 टन ऑफ गैस को प्रोड्यूस भी कर पाएंगे, जिनका इस्तेमाल बीएमसी के व्हीकल्स में हो पाएगा। और क्योंकि हर एक प्लांट और वो सेम कैपेसिटी का होगा तो हर एक के ऊपर 25 करोड़ के आसपास स्पेंड किए जाएंगे और अगर ये पायलट भी सक्सेसफुल रहता है तो आगे चलकर और भी वेस्ट प्रोसेसिंग को लेकर प्लांट सेटअप किए जाने हैं। आज की लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जिन्होंने उनकी स्टेट के $1 ट्रिलियन के इकोनॉमिक गोल को फास्ट पेस पर डाल दिया है और अभी महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि नीति आयोग की तरह एक इंस्टीट्यूशन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उन्होंने इस गोल को लेकर रिपोर्ट सबमिट कर दी है। दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें मोटा मोटा ये बताया गया है कि कैसे चीज़ें होंगी, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी और कौन कौन सी चीज़ें महाराष्ट्र को करनी होंगी $1 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए। अगर उस प्लान का आपको मैं ब्रेकअप दूं तो अगर 2028 तक महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है तो उसके लिए अगले 5 सालों के अंदर अंदर महाराष्ट्र में $1.53 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, जिसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर हो पाएगा। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस तरह की जो एजेंसीज हैं या फिर जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो इसमें मदद कर सकते हैं। अगले 5 सालों के अंदर अंदर महाराष्ट्र को 17.55% की CAGR के साथ में ग्रो होना होगा, जो अभी के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि पिछले 7-8 सालों से महाराष्ट्र का जो CAGR ग्रोथ रहा है वो 8 से 9% के बीच रहा है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र को 2 गुना रफ्तार से दौड़ना होगा। जो महाराष्ट्र के अलग अलग एरियाज में अभी जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको भी कम करने के लिए इस रिपोर्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनका GDP पर कैपिटा महाराष्ट्र के स्टेट GDP पर कैपिटा से 1.3 टाइम्स ज़्यादा है और 55% ऑफ महाराष्ट्र की GDP यहीं से आती है, जिसमें मुंबई, नागपुर, पुणे इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनकी GDP पर कैपिटा महाराष्ट्र की स्टेट GDP पर कैपिटा से 0.8% ज़्यादा है और 25% ऑफ महाराष्ट्र GDP यहाँ से आती है, जबकि रिमेनिंग 18 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनकी GDP पर कैपिटा स्टेट GDP पर कैपिटा से ऑलमोस्ट 80% कम है और 20% ऑफ महाराष्ट्र की GDP यहाँ से आती है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि GDP पर कैपिटा में कितना ज़्यादा इम्बैलेंस है, इसको भी कम करना पड़ेगा तभी महाराष्ट्र 2028 तक जाकर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा। और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इन रिकमेंडेशंस के बेसिस पर एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाएगा, जिसको लेकर आगे चलकर कई सारी अपडेट्स आएंगी, वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।